आज शाम को दक्ष की कामयाबी की खुशी में पार्टी है। तुम्हारे पति ने बहुत जल्दी इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है, इसलिए आज शाम पार्टी में तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जो दक्ष इतने ऊंचे मकाम से गिरकर नीचे आ जाए। उसे तुम्हें इतना शर्मिंदा कर देना होगा कि उसकी नफरत का कहर तुम्हारे ऊपर बरसे। तुम्हारे पास अब सिर्फ 12 घंटे बचे। जिस पार्टी में जाने के लिए तुम इतने खुश हो, इतनी बेचैन हो, मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हो सकता है दूसरों की तरह तुम दक्ष की कामयाबी के लिए खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरा जो बधाइयां कल तक मुझे मिलती थी, वो आज दक्ष को मिलने जा रही है। जिस पार्टी की वजह से आप अपने मन को मारे बैठे हैं, मेरे ख्याल से आपको उस पार्टी में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी दक्ष की कामयाबी की खुशी में नहीं हो रही है, ये पार्टी तो हमारे प्लान के कामयाब होने की खुशी में है। प्लान? कैसा प्लान? अब सब कुछ यही जान जाएंगे तो पार्टी का मजा ही क्या रह जाएगा। पार्टी में चलिए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि मीरा उस पार्टी में क्या करती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर दक्ष, आपने बहुत कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल की। थैंक यू मिस्टर अवस्थी। मैं तो इनकी किस्मत की दाद देता हूँ, न सिर्फ ये कामयाब बिजनेसमैन है बल्कि एक खूबसूरत बीवी के लविंग हस्बैंड भी। मिस सक्सेना मेरी पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि शी इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। खूबसूरती के साथ समझदार भी है। आज अपने पोते और बहू की इतनी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूं भगवान, बहुत खुश। मेरे दक्ष ने सारे कारोबार का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया है और मेरी अनु ने भी अपने दक्ष का प्यार पा लिया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज मैं जहां कहीं भी हूं, जो कुछ भी हूं, सिर्फ मेरी पत्नी अनुपमा की वजह से हूं। इन दोनों की जोड़ी को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना भगवान। इनकी खुशी को किसी की नजर मत लगने देना। अनुपमा दीदी रिश्ते नातों के प्यार उनके एहसास से बहुत दूर जा चुकी है। अब उनका मन हम जैसे छोटे लोगों के बीच में नहीं लगता, अब उनका मन बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों में लगता है। रिद्धिमा, तुम अपने दिमाग पर जोर क्यों देती हो? उनकी दुनिया उन्हें मुबारक हो, हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं, मैं तुम और हमारा आने वाला मेहमान। पति से तारीफें ही सुनती रहोगी या कुछ करोगी भी? अपनी बहन का थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बचा है, वरना देर लगा दी। मैं कब से आप लोग का इंतजार कर रही थी। विक्रम साहब नहीं है? नहीं मीरा जी, विक्रम जी नहीं आ पाए, उन्हें किसी अर्जेंट काम से बैंगलोर जाना पड़ा। बेचारे विक्रम जी, उनकी किस्मत में नहीं था
अपनी बेटी का नया रूप देखना। खैर कोई बात नहीं, उनके लिए मैं बाद में कोई नया तमाशा करवा दूंगी। मीरा जी, अब बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे? बच्चे भी यही है, आप आइए ना, कुछ ठंडा गरम लीजिए। आप लोग आइए, अंदर आइए ना। नमस्ते, कैसे बच्चा? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? आज इस खुशी के अवसर पर सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने एक नए वेंचर का नाम अनाउंस करने जा रही है। इस वेंचर का नाम उस शख्सियत के नाम पर रखा है जिसकी इंस्पिरेशन और मॉरल सपोर्ट की वजह से आज मैं इस कंपनी को उस मुकाम से आगे ले जा पाया हूं जहां इसे मेरे भैया धनंजय सिंघानिया ने पहुंचाया। फ्रेंड्स, हमारे इस नए वेंचर का नाम है अनुपमा पावर सॉल्यूशंस। In the name of my beloved wife, Anupama. सुन, वो तेरी ये जोड़ीदार ये मीरा और ये तो ये कह रही थी ना कि भाई वो अनुपमा आज कोई ऐसा तमाशा करके दिखाएगी पार्टी में कि हमारे जैसे आंखों को ना ट्रीट मिल जाएगी, ट्रीट, और हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। और सत्यानाश फटे मुँह है पुत्र, देख से देख देख है वे, इस अनुपमा को इतना इज्जत मान मिलते हुए देख कर मैं पुत्र मेरे ना कलेजे में एसिडिटी होती जा रही है। राम, बहुत बहुत मुबारक है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे और उन 2 घंटों में अगर तुमने अपने आप को दक्ष की नजरों में नहीं गिरा पाई तो समझ लेना कल शायद रिद्धिमा सीढ़ियों से गिर जाएगी। मीरा जी पे भरोसा रखो, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ बहुत धमाकेदार करेंगे। वैसे भी मीरा जी का कोई वार खाली नहीं जाता है, जानती हो ना तो।
लाइक देना। अनुपमा तू शराब पिएगी? नहीं अनुपमा, नहीं अनुपमा, तेरे पास वक्त बहुत कम है, पी जाए इसे। अगर तू अपनी बहन और उसके बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती है तो तुझे ये जहर पीना ही पड़ेगा। पी जा अनुपमा, पी जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पी जा ये जहर। जेंटलमैन, आज मेरे पति दक्ष की कामयाबी की खुशियां मनाई जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लविंग स्वीट हस्बैंड को एक सरप्राइज दूं। इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने। सिंघानिया खानदान की बहू और इस तरह की हरकत? सिंघानिया खानदान की बहू के बारे में लोग मिसाल दिया करते थे, उनके कल्चर और वैल्यूज के बारे में लोग बोलते। अजय साहब, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मुबारकबाद देने आए हैं।
मुबारकबाद दिया अपने? नहीं दिया ना? चलो चलो उनको मुबारकबाद दो। चलो यहां से। नहीं दर्द, मुझे पार्टी। चलो यहां से। दर्द, मुझे पार्टी में ही रहना। आज पार्टी में मैंने आपको कितना शर्मिंदा किया और आपने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं। दक्ष, 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 आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? दक्ष, आज मैंने जो भी किया उसके लिए आप मुझे डांटिए। दक्ष, मुझसे नफरत कीजिए ना। दक्ष, मैं इसी का बोलिए ना। दक्ष, बहुत बुरी हूँ मैं। कैसी रही आज की पार्टी? लाजवाब मेरा, लाजवाब। सच बोलो, आज बहुत दिनों के बाद दिल को सुकून मिला है। ये तो अनुपमा ने तो जान हराम करके रखी हुई। मीरा, ये मत समझना कि मैं नहीं जानती कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है। आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तू है। तू तूने ही मजबूर किया होगा अनु को ये सब करने पर, वरना वरना वो कभी अपनी मर्यादा पार नहीं करती। बता बता क्या काला जादू किया है तूने मेरी बच्ची पर? ए! बंद कर अपनी बकवास। वाह, शराब पिए घर की इज्जत उछाले तेरी लाडली बहू, और तू आंखें दिखा रही है मुझे? आज तो पूरी दुनिया ने देखा है तेरी लाडली बहू की बेशर्मी का तमाशा, और तूने खुद अपनी आंखों से देखा। तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जितनी तू जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के अंदर है, समझी ना? जरूर जरूर अनु के कोई दुखती रग तेरे हाथ लग गई होगी जिसका फायदा तू उठा रही है, लेकिन मैं उसे तेरा शिकार नहीं बनने दूंगी। याद रखना, मैं उसे तेरी माया जाल से आजाद करवा के रहूंगी। बुढ़िया, तू जिसके भरोसे पर ये लड़ाई लड़ रही थी वो अनुपमा अब मेरे हाथों की कठपुतली बन चुकी है। अब वो वही करेगी जो मीरा उसे करने के लिए कहेगी। आगे आगे देख मैं तेरी चहेती से और कौन कौन से तमाशे करवाती हूँ। राम 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 झूठ ना बुलाए, ओ मेरा पुत्र राम झूठ ना बुलाए। पार्टी तो तूने कमाल की थ्रो की है, और दिल खुश हो गया, मजा ही आ गया। क्यों माया पुत्र है? पर पुत्र एक बात की जरा कमी सी रह गई। ओए दक्ष जो है ना, वो सलमान खान की तरह अनुपमा को इतनी आसानी से अपने कमरे में लेके चला गया। ओए होना तो ये चाहिए था कि एक विलन की तरह है चार पांच कस के थप्पड़ मार दो अनुपमा के मुंह पर, और कसीट के पार्टी के बीच में से लेके जाना चाहिए था। तब जरा मजा आता, कलेजे में ठंड पड़ जाती। हैरान तो इस बात पर मैं भी हूँ आंटी जी,
कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दक्ष ने अनुपमा को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि दक्ष अनुपमा को उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है जितना हम सोचते हैं। इसीलिए आज अनुपमा हारी हुई बाजी भी जीत गई। मुझे दक्ष के दिल में तुम्हारे लिए नफरत बहुत पसंद है। मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि मैं तो तुमसे आराम करने के लिए कह रही हूं। तुम घर में रहो और आराम करो, तुम्हें पूजा में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कुछ बताने की, वरना